हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। मैं नेहा पांडे। तो नेक्स्ट टॉपिक है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के चैप्टर का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, जो कि मतलब नामकरण करना है हमें जो हाइड्रोकार्बन्स, जिनका क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया, तो उन हाइड्रोकार्बन्स का जो है नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण करना रहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो उसके लिए वैसे एक कॉमन नेम नोमेनक्लेचर भी किया जाता है, और दूसरा जो दूसरी पद्धति मतलब जो दूसरा सिस्टम अप्लाई किया जाता है इनके नोमेनक्लेचर में, वो है आईयूपीएसी या फिर हम इसको आईयूपैक भी बोल सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो कभी कभी वन मार्क में ये इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो इसलिए आपको ये फुल फॉर्म ज़रूर पता होनी चाहिए। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जो आईयूपीएसी सिस्टम है उसके हिसाब से जो नोमेनक्लेचर हमें करना रहता है अलग अलग, जैसे अभी तो सबसे पहले मैं आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं जिनको हम एल्केन के नाम से जानते हैं, मतलब जिसमें सारे कार्बन एटम जो हैं सिंगल बॉन्डेड रहते हैं, तो उनका नोमेनक्लेचर बताती हूँ, क्योंकि यही जो एल्केन है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, यही ये जो है मतलब एक तरीके से जो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके पेरेंट हैं ये। तो एल्केन से ही मिलके बाकी के सारे जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो बनते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको बताती हूँ कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन का नोमेनक्लेचर नामकरण किस तरीके से करते हैं। तो जब नामकरण करते हैं नोमेनक्लेचर, तो यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ होती हैं, एक होती है प्रीफिक्स और एक सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब पूर्व लग्न और सफिक्स मतलब अनुलग्न। प्रीफिक्स का मतलब ये होता है कि जो पहले लगता है, मतलब दो चीज़ों से मिलके नाम बनता है, तो जो पहले पहले लगता है उसको बोलते हैं हम प्रीफिक्स, और जो सफिक्स होता है वो बाद में लगता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से कि मतलब कोई भी जो भी हाइड्रोकार्बन है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से उसके प्रीफिक्सेस जो हैं वो चेंज होते जाते हैं। जैसे अगर एक कार्बन एटम का हाइड्रोकार्बन है तो उसका प्रीफिक्स जो है वो मेथ हो जाएगा, दो कार्बन एटम का है तो एथ हो जाएगा, हिंदी में भी यही बोलते हैं मेथ एथ, थ्री का है तो प्रोप, फोर है तो ब्यूट। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आपको ये कार्बन के जो मतलब हाइड्रोकार्बन के जो प्रीफिक्सेस हैं अगर आपको यही नहीं पता होंगे तो आप नोमेनक्लेचर कर ही नहीं सकते हैं। तो आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से ये टेबल आपको ज़रूर लर्न करनी है, क्योंकि नोमेनक्लेचर की शुरुआत ही यहीं से हुई है। जब तक आपको ये मेथ हेथ ब्यूट प्रोप नहीं पता होंगे तब तक आप नहीं नोमेनक्लेचर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो चार कार्बन एटम वाले को ब्यूट बोलते हैं, पाँच कार्बन एटम वाले का प्रीफिक्स जो है वो पेंट, सिक्स को हेक्स, सेवन कार्बन एटम हेप्ट, एट कार्बन एटम ऑक्ट, एंड नाइन कार्बन एटम को का प्रीफिक्स नॉन, एंड टेन कार्बन एटम के लिए डेक। तो आपके सिलेबस में इतने सफिशिएंट हैं। तो ये जो है आपको ध्यान रखने हैं कि जितने कार्बन एटम की चेन होगी उसमें जो प्रीफिक्स है वो हमेशा यही लगेंगे, कि अगर एक कार्बन एटम की चेन है तो मेथ, दो की है तो एथ, तीन की है तो प्रोप, और फोर की है ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक। और यहाँ पे हम नोमेनक्लेचर कर रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं सिंगल बॉन्डेड, जिनको हम एल्केन के नाम से जानते हैं। तो उनके लिए जो सफिक्स होता है, सफिक्स हमेशा एन लगता है, जैसे डबल बॉन्ड के लिए ईन लगता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगता है, तो वैसे ही सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगता है। तो इनके लिए जो सफिक्स है वो सबके लिए ही एन एन तो इसी तरीके से नाम भी इनका आईयूपीएसी नाम। अब इन दोनों को प्रीफिक्स और सफिक्स को अगर हम जोड़ देंगे तो नाम क्या हो जाएगा, मेथ एन मीथेन, एथ एन इथेन, इसी तरीके से प्रोप प्लस एन प्रोपेन, ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन, एंड पेंट प्लस एन
पेंटेन, हेक्स प्लस एन हेक्सेन, इसी तरीके से हेप्ट प्लस एन हेप्टेन, ऑक्ट प्लस एन ऑक्टेन, नोन प्लस एन नोनेन, इसी तरीके से ये डेक प्लस एन डेकेन। तो आपको एल्केन का जो जनरल फार्मूला है, केमिकल फार्मूला बनाने के लिए जो उनका सामान्य सूत्र है, वो मैं आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया था। तो इसी हिसाब से इनके कार्बन एटम के हिसाब से ही उनका हम जनरल फार्मूला भी लिख सकते हैं, जो हमने होमोलोगस सीरीज़ में बताया था आपको। तो यहाँ पे मीथेन का फार्मूला CH4 इथेन C2H6 C3H8 C4H10 C5 H12 C6 H14 C7 H16 C8 H18 C9 H20 and C10 H22। तो ये इनके केमिकल फार्मूला हो गए। तो ये जो टेबल है, ये मेन टेबल है, क्योंकि इसी जो जितने भी आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जितने भी जो नोमेनक्लेचर करते हैं, तो वहाँ पे जो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, ये पेरेंट एल्केन की पेरेंट होते हैं। मतलब जो भी हाइड्रोकार्बन बनेगा तो उसमें जो मूल एल्केन होता है वो उसका नाम आपको यही मतलब लिखने रहते हैं। तो आपको ये टेबल ज़रूर याद रखनी है कि जितने भी कार्बन चेन वाली कि अगर 4 कार्बन चेन आ गई तो तुरंत आप देख के पहचान जाएंगे कि वो ब्यूटेन है। 5 कार्बन चेन वाली है तो यानी कि हेक्सेन, वो पेंटेन है। 6 का है तो हेक्सेन है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो और जो किस तरीके से ये बनाया है नाम इनका, तो वो भी आपको मैंने बता ही दिया कि प्रीफिक्स प्लस सफिक्स को अगर हम जोड़ देते हैं, प्रीफिक्स मतलब पूर्व लग्न, सफिक्स मतलब अनुलग्न, तो इनको अगर हम जोड़ देते हैं तो बन जाता है एल्केन। तो यहाँ पे जो एल्क है वो प्रीफिक्स है और एन है वो सफिक्स है। एल्क यहाँ पे चेंज होते रहते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से, जो भी नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेगा। तो ये टेबल आपको ज़रूर याद रखनी है आगे नोमेनक्लेचर करने के लिए। तो ये सिंगल बॉन्डेड जो हाइड्रोकार्बन्स थे उनका नोमेनक्लेचर है। उसके बाद इसी में और एग्जांपल भी एक दो और मैं बता देती हूँ आपको कि अगर फॉर एग्जांपल दिया हुआ है CH3 CH2 CH3, तो ये नोमेनक्लेचर बताने से पहले एक चीज़ और आपको बताऊंगी कि ये जो कार्बन होता है, कार्बन हमेशा टेट्रावेलेंट होता है। टेट्रावेलेंट का मतलब कि कार्बन हमेशा जो है वो चार बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे चार बॉन्ड से किस तरीके से जुड़ा हुआ, कि यहाँ पे तीन तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक इसके साथ में एक बॉन्ड लगा हुआ है। यानी कि अगर कार्बन अकेला होगा तो इस तरीके से हम इसको शो करेंगे। अगर कार्बन के साथ में एक बॉन्ड है तो हम इसको CH3 की तरह भी लिख सकते हैं। अगर कार्बन के पास में दो बॉन्ड हैं तो हम इसको CH2 लिख सकते हैं। अगर कार्बन के पास तीन बॉन्ड हैं तो हम इसको सिर्फ CH भी लिख सकते हैं। और या फिर एक भी अगर हाइड्रोजन नहीं है तो हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। तो मतलब कार्बन को जो है अपने चार बॉन्ड पूरे करने रहते हैं। तो इसीलिए जो स्ट्रक्चर मैंने ये बनाया है समझाने के लिए, ये मैंने बताया आपको कि कार्बन हमेशा अपने चार बॉन्ड को पूरा करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है CH3 CH2 CH3, ये फॉर्मूला दिया हुआ है प्रोपेन का C3H8। यहाँ पे चाहे तो आप काउंट भी कर सकते हैं, तीन कार्बन है और जो हाइड्रोजन है वो 8 हैं। तो इस तरीके से हम इनकी बॉन्डिंग शो करेंगे। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि नंबर ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से इनका प्रीफिक्स क्या हो गया, 1, 2, 3 है। तो 3 के हिसाब से इनका प्रीफिक्स क्या हो गया, प्रोप। तो हमने यहाँ पे लिख देना है प्रोप। और सारे ही सिंगल बॉन्डेड हैं, यहाँ पे कोई अभी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है नहीं। तो इनका जो सफिक्स है वो क्या लगेगा, एन। तो इनका नाम क्या हो गया, प्रोपेन, प्रोपेन हो गया। या फिर और इसी तरीके से अगर मान लिया चार कार्बन एटम का दिया हुआ है तो वो ब्यूटेन हो जाएगा, 5 कार्बन एटम की चेन दी हुई है तो पेंटेन हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप एग्जांपल बता सकते हैं।
इसके बाद तो इससे पहले जो मैंने आपको बताया वो सिंपल मतलब एक जो चेन टाइप का स्ट्रक्चर रहता है उनके बारे में मैंने आपको बताया कि जो सीधी श्रृंखला वाले जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका वो नोमेनक्लेचर है कि सीधे सीधे अगर चेन बनी हुई है 5 कार्बन 6 कार्बन जितने भी कार्बन की, तो वो आप देख के बता सकते हैं कि हाँ उसका नाम हेक्सेन है, पेंटेन है या ब्यूटेन जो भी है। अब यहाँ पे नोमेनक्लेचर जो दिया हुआ है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब अगर जो कार्बन चेन दी हुई है तो कार्बन चेन में अगर ब्रांच भी दी हुई है साथ में, तो उनका नोमेनक्लेचर हम किस तरीके से करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ रूल्स ध्यान रखने होंगे कि क्या रूल्स हैं जिससे हम नोमेनक्लेचर उनका कर सकते हैं। तो रूल के लिए सबसे पहले बता देती हूँ कि पहला रूल जो दिया हुआ है कि फर्स्टली द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड इज चूजन, द कंपाउंड इज नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन। तो हमें क्या करना है कि अगर ब्रांच दी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रांच दी हुई है CH3 CH, यहाँ पे ये ब्रांच से मतलब है कि साइड में जो साइड चेन लगी रहती है उससे, तो हमें यहाँ क्या करना है कि सबसे पहले जो पहला पॉइंट दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि जो लॉन्गेस्ट चेन है सबसे पहले हमें उसको चूज़ करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन से मतलब है कि हम साइड वाली चेन को भी काउंट कर सकते हैं या फिर हम सीधी भी काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अगर हम चूज़ करें तो अगर हम इस चेन को देखें तो ये 1 2 3 4 5, यहाँ से देखें अगर तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ से भी वही सेम आएगा और यहाँ से भी वही सेम आ रहा है। तो हमने जो है लॉन्गेस्ट चेन ये सीधी वाली चूज़ कर ली, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये चूज़ कर लिया। सेकेंड जो पॉइंट दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि द एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट इन द साइड चेन इज़ नेम्ड एज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन इट। मतलब जो साइड चेन में ये जो ग्रुप्स लगे हुए हैं इनका नाम भी, जैसे ये तो पेरेंट एल्केन हो गया कि 5 कार्बन की चेन है और उसको सारे सिंगल बॉन्डेड हैं, तो यानी कि इसका नाम तो उसके हिसाब से पेरेंट एल्केन के हिसाब से पेंटेन हो गया, लेकिन जो साइड चेन है इनको भी नाम दिया जाता है। तो इन साइड चेन को हम इनके कार्बन के जो जितने कार्बन एटम लगे होंगे उनके हिसाब से इनका नाम देंगे। जैसे कि एक कार्बन एटम का ये साइड चेन है तो इसको हम मिथाइल ग्रुप बोलेंगे, यानी कि एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए तो उसको हम एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पे मिथेन है, मिथेन CH4 होता है, अगर मिथेन से एक हाइड्रोजन कम कर दें तो वो मिथाइल ग्रुप हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 2 कार्बन एटम वाली चेन है तो उसको हम इथाइल ग्रुप बोलेंगे, अगर 3 कार्बन एटम वाली साइड चेन है तो हम उसको प्रोपाइल बोलेंगे, ब्यूटाइल हेक्साइल, इस तरीके से उसका साइड चेन का नंबर ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से नोमेनक्लेचर करेंगे। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है द नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम इज डन स्टार्टिंग फ्रॉम द टर्मिनल कार्बन नियरेस्ट टू द साइड चेन और फंक्शनल ग्रुप। तो नंबरिंग जो है वो हमेशा उधर से की जाती है जिधर से कार्बन चेन जो है मतलब जो साइड चेन लगी हुई है वो नियर पड़ रही हो। जैसे अगर मैं इसका इसकी नंबरिंग अगर मैं इधर से करती 1 2 3, तो ये 3 नंबर पे आ रहा है, ये 4 नंबर पे आ रहा है, यहाँ मैंने अभी 2 दे दिए साइड चेन। अगर मान लेते हैं कि सिर्फ एक ही साइड चेन लगी हुई है, कि फॉर एग्जांपल ये वाली नहीं है यहाँ पे लगी हुई है, तो 1 2 3 4 5, तो ये 4 नंबर पे आ रहा है, इधर से काउंट कर रहे हैं तो 1 2 2 पे आ रहा है। तो जिधर से नियर बाई साइड चेन पड़ती हैं हम नंबरिंग हमेशा उधर से ही करेंगे। अगर इस वाले एग्जाम्पल की नंबरिंग हम इधर से करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो नंबरिंग हमेशा उधर से करनी है जिधर से दोनों साइड चेन पास में पड़ रही हूँ, तो दोनों साइड चेन जो हैं वो इस साइड से पास में पड़ रही हैं तभी इसकी नंबरिंग मैंने इधर से की है 1 2 3 4 5। फोर्थ पॉइंट है द पोजीशन ऑफ द साइड चेन इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑफ विच इट इज़ अटैच्ड। मतलब जो साइड चेन की पोजीशन है वो उसी नंबर जो इस नंबर के कार्बन एटम से वो जुड़ी हुई है उसी नंबर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे 2 पे जुड़ा हुआ है मिथाइल, 3 पे जुड़ा हुआ है मिथाइल, तो हम इनको 2, 3 डाईमिथाइल इस तरीके से लिखेंगे। फिफ्थ पॉइंट दिया हुआ है नाउ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज अडॉप्टेड टू राइट द नेम ऑफ द ब्रांच्ड चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कि इस तरीके से हम इसके नोमेनक्लेचर करेंगे इसी सीक्वेंस में, कि सबसे पहले क्या लिखनी है पोजीशन ऑफ साइड चेन, मतलब जिस भी पोजीशन पे साइड चेन लगी हुई है उस पोजीशन को हम लिखेंगे। तो यहाँ पे जैसे 2 लगे हुए हैं ग्रुप्स, तो
यहाँ पे कौन कौन से पोजीशन पे ग्रुप्स लगे हुए हैं, 2, 3, तो हमने दोनों ग्रुप्स लिख दिए। अब दो लगे हुए हैं तो दो के लिए या तीन के लिए, अगर तीन लगे होते तो डाई, वो दो के लिए डाई लगाते हैं, तीन के लिए ट्राई लगाते हैं, चार के लिए टेट्रा लगाते हैं, तो यहाँ पे दो ग्रुप्स लगे हुए हैं तो लिखेंगे डाई। और दोनों ही साइड चेन का नाम क्या है, हाँ सबसे पहले क्या है, पोजिशन ऑफ साइड चेन लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, द नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप। अब एल्काइल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है यहाँ पे, मिथाइल, दोनों ही मिथाइल है तो इसलिए डाई पहले ही लगा दिया है, तो डाई मिथाइल। उसके बाद नेम ऑफ पेरेंट एल्केन, तो पेरेंट एल्केन कौन है यहाँ पे, पेंटेन, तो इसका नाम क्या हो गया, 2,4-डाईमिथाइल पेंटेन। तो इस तरीके से ये साइड चेन वाले का हम नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। ये कुछ पॉइंट हैं, इसके अलावा और भी दो पॉइंट और हैं, वो भी मैं बता देती हूँ एक बार, मैं और इसको क्लियर कर देती हूँ कि सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि जब भी हमें नोमेनक्लेचर करना है तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको चूज़ करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन को चूज़ करेंगे स्ट्रक्चर में, जो भी सबसे लंबी चेन होगी कार्बन की उसको चूज़ करेंगे। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है कि अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट इन द साइड चेन इज़ नेम्ड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब जो भी साइड चेन की तरह जो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है उसको हम नंबर ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से ही नाम देंगे कि यहाँ पे एक कार्बन वाला है इसलिए इसको हमने मिथाइल लिखा है, दो कार्बन एटम वाला होता तो हम मिथाइल लिखते, तीन का होता तो प्रोपाइल लिखते, तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है कि नंबरिंग इज नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम, मतलब जो नंबरिंग की जाती है यही सबसे मेन पॉइंट है कि नंबरिंग हमेशा उधर से की जाती है जिधर से साइड चेन नियर पड़ रही हो। यहाँ पे इस साइड से मैंने नंबरिंग इसलिए की क्योंकि दोनों ही कार्बन चेन जो है वो साइड चेन है वो पास में पड़ रही है, अगर इधर से करते तो ये दूर में पड़ती, तो जिधर से नियरेस्ट कार्बन चेन होगी उधर से ही उसकी नंबरिंग करेंगे उधर से ही। फोर्थ पॉइंट जो है वही कि साइड चेन जो है रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम, जिस जो पेरेंट एल्केन जो दिया हुआ है, जो लॉन्गेस्ट चेन होती है उसको हम पेरेंट एल्केन या मूल एल्केन बोलते हैं, तो पेरेंट एल्केन जो है उसके जिस कार्बन एटम से साइड चेन अटैच्ड है उसी को हम नंबरिंग देंगे नाम लिखते टाइम पे। तो जैसे लास्ट में जो ये दिया हुआ है कि किस सीक्वेंस में हमें नोमेनक्लेचर करना है, सबसे पहले हमें पोजीशन ऑफ साइड चेन लिखनी है कि किस जो साइड चेन है वो किस कार्बन एटम से जुड़ी हुई है, उसके बाद नंबर ऑफ एल्काइल नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप लिखना है कि जैसे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसलिए हमने मिथाइल लिखा हुआ है, उसके बाद नेम ऑफ पेरेंट एल्केन तो नेम ऑफ पेरेंट एल्केन देना है। तो इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। इसके बाद जो दो और पॉइंट हैं वो भी बताती हूँ। तो सिक्स पॉइंट है, इफ टू और मोर देन टू आइडेंटिकल एल्काइल ग्रुप्स आर एल्काइल ग्रुप्स ऑन डिफरेंट कार्बन एटम्स, देन द ऑर्डर ऑफ नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम इज दैट द सम ऑफ द कार्बन एटम्स। तो यहाँ पे जैसे अभी पिछला एग्जांपल जो था वो सिक्स्थ वाले पॉइंट के लिए ही था एक तरीके से, क्योंकि वहाँ पे मैंने ऑलरेडी दो आइडेंटिकल ग्रुप जो मिथाइल ग्रुप हैं उनका एग्जांपल दे दिया था आपको। तो एक और एग्जांपल बता देती हूँ कि जैसे CH3 CH3 CH3, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तीन जगह ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ पे भी आप चाहें तो पहले जो कार्बन चेन है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो चूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सी 1, 2, 3, 4, 5, इसको भी हम चूज़ कर सकते हैं तो भी नोमेनक्लेचर में नाम वही आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, इसको भी, क्योंकि ये सिंपल तरीका हो जाएगा कि हम सीधे सीधे कार्बन चेन चूज़ कर लेते हैं तो भी नाम वही आएगा। अब हमें क्या है कि ये जो सिक्स पॉइंट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि अगर दो या दो से ज़्यादा सेम टाइप के अल्काइल ग्रुप डिफरेंट कार्बन एटम पे लगे हुए हैं, डिफरेंट पे भी या फिर सेम पे भी लगे हो सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि एक ही कार्बन पे यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप लगे हैं, एक इस वाले कार्बन पे, तो यहाँ दो मतलब एक से ज़्यादा एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि नंबरिंग हमेशा उधर से करेंगे जिधर से दोनों के सम जो हैं वो पास में हो। मतलब अगर हम इधर से करेंगे तो देखेंगे आप कि 1, 2, 3, 4,
5. अगर हम इधर से नंबरिंग करते तो ये 1 2 3 4 5, तो अगर हम 3 और मतलब यहाँ पे होती 4 और यहाँ पे 3, तो 4 प्लस 3 को अगर हम ऐड करते तो वो 7 आता, अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 और 3 को अगर हम ऐड करेंगे तो 5 आएगा. तो यानी कि जो इनका नंबरिंग का ऑर्डर है उसका सम जो है वो मिनिमम होना चाहिए. तो सम जो है वो मिनिमम जब होगा तो उसी साइड से हमें जो है इनकी कार्बन चेन की काउंटिंग करनी है. तो इसी वजह से यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5. अब यहाँ पे देख रहे हैं आपकी 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, 3 पोजीशन पे एक लगा हुआ है. तो नोमेनक्लेचर करने का आपका जो किस तरीके से करते हैं वो मैंने अभी पिछले उसमें ही नंबर में बताया था कि क्या करेंगे. सबसे पहले पोजीशन लिखेंगे, तो 2 पोजीशन पे 2 लगे हुए हैं ग्रुप, तो 2, 2 और एक लगा हुआ है 3 पे, तो 3 लिखेंगे. अब यहाँ पे 3 है तो इसलिए ट्राई लिखेंगे, और तीनों ही मिथाइल ग्रुप हैं तो ट्राई मिथाइल. और ये जो मूल एल्केन है यानी कि पेरेंट एल्केन है वो कौन सा है, 5 कार्बन चेन वाला, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन. तो 2, 2, 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ये इसका नाम हो जाएगा. सेवेंथ जो नंबर है, इफ़ द डिफरेंट एल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट एज साइड चेन देन द नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम इज डन अकॉर्डिंग टू देयर नंबर नेम इन ऑर्डर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. मतलब अगर यहाँ पे तो सेम देख रहे हैं आपकी सेम मिथाइल लगे हुए हैं, या सेम मिथाइल भी हो सकते हैं या पेंटाइल प्रोपाइल कोई भी हो सकते हैं. अगर सेम टाइप के लगे हुए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर डिफरेंट टाइप का कि एक मिथाइल लगा है एक इथाइल लगा हुआ है, तो नंबरिंग करने का जो रूल होता है वो नंबरिंग इस तरीके से की जाती है कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो ग्रुप पहले आ रहा होता है, कि जैसे इथाइल और मिथाइल में देखेंगे तो ए बी सी डी में इथाइल जो है वो ई पहले आता है और मिथाइल जो है एम बाद में आता है. तो हम सबसे पहले नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से इथाइल ग्रुप लगा होगा, या फिर अगर कोई अदर ग्रुप दिया हुआ तो वो हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हिसाब से ही उसकी नंबरिंग करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल CH3, CH, CH2, CH3, CH2, CH3, ये एक एग्ज़ाम्पल हमने ले लिया है. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लॉन्गेस्ट चेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी ले सकते हैं या फिर ये सीधी वाली भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी लॉन्गेस्ट चेन चूज़ कर सकते हैं. तो हमने जो है सीधी वाली लॉन्गेस्ट चेन चूज़ कर ली. यहाँ पे देख रहे हैं आप कि एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो हमें जो है प्रायोरिटी देनी है इथाइल ग्रुप को. अगर इथाइल ग्रुप इधर से पास पड़ रहा है तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे, अगर इथाइल ग्रुप इधर से पास पड़ रहा है तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे. तो यहाँ पे हमने देखा है कि इथाइल ग्रुप जो है वो इधर से पास पड़ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6. अगर हम इधर से नंबरिंग करते तो ये 1, 2, 3, 4, 4 नंबर पे आता, और यहाँ से करने पे 3 नंबर पे आ रहा है. तो हम इथाइल ग्रुप को यहाँ पे प्रायोरिटी देंगे क्योंकि ई इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ई पहले आता है और एम बाद में आता है. तो फिर अब इसका नोमेनक्लेचर भी इसी हिसाब से लिखा जाएगा कि दिया हुआ है सबसे पहले पोजीशन लिखेंगे हम 3 इथाइल कॉमा, दूसरी पोजीशन पे लगा हुआ है मिथाइल मिथाइल, और 6 कार्बन एटम की चेन है तो यानी कि जो एल्केन है वो क्या हो जाएंगे, हेक्सेन. तो ये इसका नाम हो जाएगा. तो आपको ध्यान रखना है कि अगर डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हिसाब से करेंगे, सेम टाइप के लगे हुए हैं तो फिर डाई या ट्राई के साथ में, डाई ट्राई या टेट्रा के साथ में लगा के उनका नोमेनक्लेचर करेंगे. तो जो है, और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब भी नोमेनक्लेचर करते हैं तो पहला अल्फ़ाबेट हम कैपिटल बनाते हैं, उसके बाद जो है वो हम नॉन कैपिटलाइजेशन में रखते हैं, क्योंकि जो ये IUPAC है ये एक तरीके से सेंटेंस की तरह होते हैं. तो सेंटेंस में आपको पता है कि हमेशा पहला अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल होता है, उसके बाद सारे स्मॉल होते हैं. तो कभी भी जो बीच के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपको कैपिटल में नहीं बनाने हैं, वो आपको स्मॉल ही रखने हैं. अगर आप कैपिटल बनाएंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा. तो ये तो साइड चेन के एग्ज़ाम्पल्स थे. तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे.
बाकी का आगे जैसे जैसे और आप करते जाएंगे नोमेनक्लेचर तो आपको और भी क्लियर होता जाएगा। तो ये सिंगल बॉन्डेड के थे, इसके बाद मैं आपको डबल और ट्रिपल और बता देती हूँ। तो नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, मतलब अनसैचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड के जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके लिए सफिक्स यानी कि अनुलग्न जो बाद में लगता है, क्योंकि पूर्व लग्न तो सब में वही रहेगा, जो प्रीफिक्स है वही में थे ब्यूट प्रोप नंबर ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से। तो सफिक्स जो है इनका ईन हो जाता है, यानी कि एल्क के साथ में ईन लगा दे तो वो आईयूपीएसी नाम जो इनका हो जाता है, आईयूपीएसी नेम वो क्या हो जाता है, एल्कीन, एल्कीन हो जाता है। इनके नाम के एंड में ईन लग जाता है डबल बॉन्ड वालों में। तो इसमें बता देती हूँ कुछ एग्जांपल आपको, जैसे रूल्स सारे वही रहेंगे जो आपको रूल्स मैंने बता दिए हैं ब्रांच्ड वाले, वही सब में अप्लाई होते हैं रूल्स नोमेनक्लेचर के लिए, नंबरिंग करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल दिया हुआ है, अगर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यानी कि ये डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो इसमें भी नंबरिंग करने के रूल वही जो ब्रांच्ड वाले आपने अभी पढ़े हुए हैं, वही सेम टू सेम रूल्स इनमें भी अप्लाई होंगे कि हम उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पास में पड़ रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड इधर से पास में पड़ रहा है तो नंबरिंग हो जाएगी 1, 2, 3, और तीन कार्बन एटम का है तो इसका प्रीफिक्स जो है वो क्या हो जाएगा, प्रोप, और डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन, या फिर हम इसको प्रोप 1-ईन भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज भी हो सकती है, कि मतलब एग्जांपल दिया हुआ है ये, इसके अलावा ऐसे भी दिया जा सकता है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चार कार्बन एटम वाली चेन है, हम नंबरिंग इधर से करें तो भी वही नाम आएगा नंबरिंग इधर, क्योंकि बीचों बीच में दिया हुआ है। तो नंबरिंग हमने कर दी 1, 2, 3, 4, 4 है यानी कि ब्यूट हो गया। और यहाँ पे दूसरी पोजीशन पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, ब्यूट 2-ईन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटोइन। मतलब जिस भी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है आप उसी नंबर को शो करके आप उसको लगा सकते हैं। सिंपली ये इस तरीके से भी दिया हो सकता था कि CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2, ये दिया हुआ है तो आप देख रहे हैं कि चार कार्बन एटम का है तो 1, 2, 3, क्योंकि नियर डबल बॉन्ड इधर पड़ रहा है, 4, तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूट, और डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो इसलिए ब्यूटीन, या फिर हम इसको ब्यूट 1-ईन भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड वाले जो हैं इनका सफिक्स हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स हो जाएगा आइन, लास्ट में आइन लग जाएगा, यानी कि इनका जो आईयूपीएसी नेम है, आईयूपीएसी नेम इनका हो जाएगा एल्काइन, जैसे ये एल्कीन थे तो इनका नाम हो जाएगा एल्काइन। तो फॉर एग्जांपल CH ट्रिपल बॉन्ड CH दिया हुआ है, ये हाइड्रोजन आपको मैंने पहले ही बता दिया कि कार्बन जो है वो हमेशा चार बॉन्ड पूरे करता है, तो यहाँ पे तीन बॉन्ड दिए हैं इसलिए एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो CH डबल बॉन्ड CH का मतलब क्या हो गया, इसका नाम हो गया इथाइन। यहाँ पे दो ही कार्बन एटम है इसलिए कुछ नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम्पल अगर दिया हुआ है CH3 CH2 CH, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप चार कार्बन एटम की चेन है, और नंबरिंग अगर हम इधर से करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि नियर जो ट्रिपल बॉन्ड पड़ रहा है इस कार्बन एटम के, तो 1, 2, 3, 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, या फिर ब्यूट 1-आइन हो जाएगा।
अगर किसी अलग पोजीशन पे लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल CS3, यहाँ पे देख रहे हैं आप कि नियर किधर से पड़ेगा। अगर इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 पे पड़ेगा, इधर से काउंट करेंगे तो 1 2, तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। तो 5 का मतलब ये कार्बन चेन हो गई, इसका जो प्रीफिक्स है वो क्या है, पेंट। और कौन सी पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, 2 पे, तो पेंट 2 आयन हो जाएगा। अगर दो जगह लगा हुआ है तो डाई आयन, तीन जगह लगा हुआ है ट्राई आयन, इस तरीके से उसको हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। डाई का भी मैं बता देती हूँ, वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों में ही लागू होगा। फॉर एग्जाम्पल CS3, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कार्बन दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर से नंबरिंग करें या इधर से करें, दोनों में ही बराबर आएगा 1 2 3 4 5 6 7। अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे भी वही आएगा। तो यहाँ पे दो पोजीशन पे लगा है, दूसरी पोजीशन पे लगा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड और पांचवी पोजीशन पे लगा हुआ है। तो सबसे पहले क्या है कि ये 7 कार्बन चेन वाला है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेप्ट। और दूसरी पोजीशन पे लगा हुआ है तो 2 कॉमा 5, अब दो लगे हुए हैं तो इसलिए डाई आइन। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होते तो डाई इन, तीन जगह बॉन्ड लगा होता तो ट्राई इन, चार जगह बॉन्ड लगे होते ट्राई आयन या ट्राई हो टेट्रा आयन या टेट्रा इन हो जाता। तो इस तरीके से जो है डबल ट्रिपल बॉन्ड जितने भी लगे हुए हैं उनकी पोजीशन को काउंट करके हम उनका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे, अगर नहीं भी क्लियर हो गए तो आगे भी अभी जो नोमेनक्लेचर आते जा रहे हैं तो वो आप सारे वीडियो ढंग से देखिएगा तो आपको ज़रूर क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जितने भी हाइड्रोकार्बन के जो नोमेनक्लेचर हैं वो सारे ही ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, जो एल्केन एल्कीन और एल्काइन है, इन्हीं पे ही डिपेंड है, ये पेरेंट की तरह ही काम करते हैं। तो इसलिए सबसे जो पहला ये वीडियो मैंने बनाया है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसको ज़रूर आप देखिएगा और इसी से ही आपको नोमेनक्लेचर क्लियर होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।